मंडावर से राकेश पटेल की रिपोर्ट के अनुसार हनुमान जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कश्मीर में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मना और शनिवार को सुबह 9 बजे हनुमान जन्मोत्सव का शुभारंभ गर्ल्स स्कूल वाले हनुमान मंदिर से हुआ, जहां बैंडबाजों के साथ भक्तों ने हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा व झांकी की शुरुआत की। शोभा यात्रा गढ़ रोड से चांदी चौक होते हुए गांधी चौक होते हुए बस स्टैंड पहुंची। इस दौरान शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर और ठंडाई का प्रसाद वितरित किया। कस्बे के लोगों ने शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान जगह जगह लोगों ने हनुमान जी की प्रतिमा पर धूप अगरबत्ती जलाई और प्रदेश और देश में अमन शांति की दुआ की। शोभा यात्रा में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान मुख्य बाजार में आजाद बाल विद्या मंदिर की छात्राओं के द्वारा पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद विजय झालानी विवेक अग्रवाल के द्वारा ठंडाई पिलाकर भक्तों का सम्मान किया। इसके पश्चात शोभा यात्रा पुराने बस स्टैंड से होकर वापस गांधी चौक होते हुए हनुमान बगीची पहुंची। इस दौरान लोगों ने नाचते गाते भजनों के साथ आनंद लिया। इधर पुलिस थाना अधिकारी नाथूलाल थाना स्टाफ सहित शांति व्यवस्था में सहयोग के लिए मौजूद रहे। इस अवसर पर चंद्र ठाकुरिया, महेश गुर्दावासी, मनीष जोशी, कालू राठौड़ सहित अनेक लोग मौजूद थे।